आप लोग ये देखिए, अंडा को छील कर और हम लोग पतीले में डाल दिए हैं, उसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद इसमें कांदा और मिर्ची लहसुन भुजा जाएगा, उसके बाद आलू और ये सब मिलाकर एक ही बार डाल देंगे तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी, अंडा की और आलू की। इसको थोड़ा थोड़ा लाल कर दिया जाता है ताकि लाल हो जाए तो खाने में बहुत बेस्ट लगेगा। हो गए, निकाल लो बेटा, ये देख सकते हैं। अब हम इसको एक थाली में निकाल देंगे। ये देखिए हमारा अंडा निकल रहा है, उधर थाली में रखा जाएगा। शाम का टाइम का खाना है भाई, ये सुबह का नहीं है। और ये जो ब्लॉगिंग आप देख रहे हैं, शाम को ही बना रहे हैं हम, लाइट जलाकर लकड़े पर खाना बनाते हैं और इधर ही रहते हैं हम लोग। ये अंडा तो नीचे गिर गया। और ये देखिए अभी मिर्चा और कांदा पड़ेगा, और ये कांदा पड़ रहा है। ऐसा ही ब्लॉगिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये कांदा लाल हो चुका है, अभी आलू थोड़ा उसमें डाल रहे हैं हम लोग। और ये आलू डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आलू पड़ चुका है इसमें, और थोड़ा ये तेल में पक जाएगा, उसके बाद हम लोग अंडा डाल देंगे। और ये एवरेस्ट मसाला पड़ गया है, और थोड़ा हल्दी पड़ेगा, और ये देखिए हल्दी भी पड़ रहा है। मसाला पक जाएगा, उसके बाद हम लोग अंडा डाल देंगे, और उसके बाद फिर पकाएंगे अंडे को और मसाले को एक साथ में। और ये देखिए हमारी आलू की लुक कितनी अच्छी हो चुकी है, एकदम बेस्ट लुक हो चुका है। और ये देखिए हमारा अंडा पड़ चुका है, अब ये पकेगा, इसमें मसाला पूरा अच्छी तरह से पक जाएगा, उसके बाद एकदम सब्जी तैयार हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, रासा एकदम मस्त ज़बरदस्त बन चुका है। चलिए, और ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।